हेलो एवरीवन, माय सेल्फ रूपल शुक्ला। हम सब अभी तक जैसे लेक्चरर बायोलॉजी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे थे, ये उस पेपर का लास्ट वीडियो है। इसके पहले ऑलरेडी हमने 4 वीडियो अपलोड कर रखी है हमारे चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और हमने और भी बहुत सारी वीडियो और भी डाली है जो आपके लिए हेल्पफुल है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर वाज प्रपोज्ड बाय, तो वो किसने दिया था? कार्ल लीनियस ने दिया था। नेक्स्ट, हाइपनथोरियम इज प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ फ्लावर? तो जो हाइपनथोरियम प्रेजेंट होता है, हाइपनथोरियम क्या है? एक इन्फ्लोरेसेंस है, एक इन्फ्लोरेसेंस है। और ये होता है कौन से फ्लावर में, किस टाइप के फ्लावर में? एपिगाइनस फ्लावर में। इसका एग्जांपल फाइकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट एंड फ्लाइटलेस टू टू बर्ड इज, तो कौन सा है? ऑस्ट्रिच। और ऑस्ट्रिच का ही जो क्या होता है, लार्जेस्ट एग होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फूड वेब वेब्स आर फाउंड इन नेचर? तो दो तरह के फूड वेब पाए जाते हैं नेचर में। इन मेमेलियन टेस्टिस एंड्रोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड बाई स्पर्मेटोगोनिया। तो यहाँ पे मैच करना है लिस्ट वन को लिस्ट टू से। ट्रांसलेशन आपको पता है क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। अब प्रोटीन का फॉर्मेशन किससे होता है? बाई चार्जिंग अमीनो एसिड टीआरएनए से स्टार्ट होता है ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन का पहला स्टेप है। देन ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनाना। तो इसमें कौन सा एंजाइम होता है यूज होता है? आरएनए पॉलीमरेज। फॉर मेकिंग आरएनए वी यूज एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए से डीएनए बनाना, और उसमें जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं दो, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स और नहीं एक फ्रेगमेंट, हाँ ओकाजाकी फ्रेगमेंट एक कंटिन्यूस फ्रेगमेंट होता है, एक ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होता है। सो ऑप्शन ऑप्शन सी इज करेक्ट। द फंक्शन ऑफ निगेटेटिंग मेम्ब्रेन इन फ्रॉग इज प्रोटेक्शन एंड मॉइस्चरिंग ऑफ द आईज। निगेटेटिंग मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट होता है आई में। ट्रॉपिकल प्लांट्स लाइक शुगर केन शो हाई एफिशिएंसी ऑफ CO2 फिक्सेशन बिकॉज ऑफ हैच एंड स्लैक साइकिल। द जिम्नोस्पर्मस वुड आर कलेक्टिवली क्लासिफाइड एज सॉफ्ट वुड। सॉफ्ट वुड इट इज मेनली बिकॉज ऑफ नॉन पोरस, क्योंकि इसके पास बिकॉज बिकॉज वेसल्स आर एबसेंट, इसीलिए वुड कॉज होता है नॉन पोरस। इफ ए कलर ब्लाइंड फीमेल मैरीज ए नॉर्मल मेल दियर चिल्ड्रन विल बी, तो अगर तो ये क्या, अगर एक नॉर्मल फीमेल एक सॉरी एक कलर ब्लाइंड फीमेल है और मैरी करती है नॉर्मल मेल से, तो जो उसके सन होंगे वो कलर ब्लाइंड होंगे और डॉटर जो होंगी कैरियर होंगे उस सन कलर ब्लाइंड। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ मैच करना है तो न्यूट्रोफिल्स, डायपिडेसिस, यूसिनोफिल्स नंबर ऑफ इंक्रीज नंबर इंक्रीज इन एनर्जी, मोनोसाइट्स किडनी शेप, और लिम्फोसाइट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इन 1967 डायनियर एंड रेमर रिपोर्टेड कॉज ऑफ पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर। सब ऑर्गेनिजम्स हैव बीन न्यूक्लिक एसिड बट नो प्रोटीन कैप्सिड, दे वर कॉल्ड विरोइड, क्योंकि विरोइड को ही डायनर ने दिया था। मोस्ट ऑफ द फॉलोइंग हैव साइजोसिलोमा, तो किसमें होता है साइजोसिलोमा? होता है एनिलिडा में, आर्थ्रोपोडा में और मोलस्का में। सो ऑप्शन सी करें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरली इंक्रीज ड्यूरिंग सेनेसेंस? तो सेनेसेंस क्या होता है? एक तरह का एजिंग, जब आप बहुत ही मेजोरिटी से ज्यादा मूव करते हैं तो वो एज, तो वो क्या कहलाता है? सेनेसेंस। तो ये क्या कहता है? इंक्रीज रेस्पिरेशन।
इसमें से कौन नॉन करेक्ट है? टोटल स्टेम पैरासाइट, कस्क्यूटा करेक्ट, इंसेक्टिवरस प्लांट ड्रोसेरा ये भी करेक्ट, पार्शियल स्टेम पैरासाइट लोरेंथस ये भी करेक्ट, पार्शियल रूट पैरासाइट रेफ्रेशिया नहीं, ये टोटल रूट पैरासाइट होता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, भी यही गलत है। द कॉमन फंगल डिजीज ऑफ मैन इज रिंगवर्म। इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑफ वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट हैज बीन सेटअप इन चेन्नई। सेग्रीगेशन ऑफ मिनरल्स फैक्टर टेक्स प्लेस एट एनाफेज फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर ऑफ स्पॉन्जिस? दे पॉजेस गोएनोसाइट्स। ये बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर है स्पॉन्जिस का। द मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेन सिमुलेटेड बाई कॉन्टैक्ट विद ए सॉलिड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज हेप्टोट्रोपिज्म। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर कोई भी ऑर्गन मूव कर रहा है किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट की तरफ कि उसके कॉन्टैक्ट में, तो क्या उसे कहा जाता है? उसे कहता है हेप्टोट्रोपिज्म। द मेटल इन्वॉल्व इन स्टोमेटल रेगुलेशन इज पोटेशियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी? तो यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, थोरियम है, बट कैडमियम नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग अपेंडेजेस ऑफ प्रॉन दी पोडो ब्रांच इज अटैच। जो पोडो ब्रांच अटैच होता है प्रॉन में, वो किससे अटैच होता है? सेकेंड मैक्सिलिपीड से। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। द मैक्सिमम कार्बन रिजर्वायर आर फाउंड इन ओशन। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स नेवर रिजनरेट? तो जो लीच होता है ये कभी रिजनरेट नहीं करता। हाइड्रा करता है रिजनरेट, प्लेनेरिया करता है, प्लेनेरिया रिजनरेशन करता है, हाइड्रा बाई बडिंग न्यूट्स भी करते हैं रिजनरेशन। द बेस्ट नोन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इन विच जिम्नोस्पर्म्स इज केप्ट इन बिटवीन डाइकोटिलेडनस एंड मोनोकोटिलेडनस, सॉरी मोनोकोटिलेडन्स आर प्रपोज बाई बेंथम एंड हुकर। क्योंकि इन्होंने ये किया था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एर्गोट इज ऑब्टेंड फ्रॉम द फॉलोइंग फंगस? क्लाविसस परप्यूरिया। डी इज करेक्ट। इन इंडिया विच IUCN प्रोटेक्टेड कैटेगरी इज लार्जेस्ट इन नंबर? ऑफ कोर्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्योंकि बाकी बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क ये सब कम है एज कम्पेयर टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इन बाई वॉल्स विच स्ट्रक्चर सिक्रेट्स पर्ल? तो कौन करता है? नेक्रियस लेयर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो ये है लास्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूरोथ्रिक्स, यूरोथ्रिक्स क्या है? एक ग्रीन एल्गी है। होल प्रोटोप्लाज्म ऑफ ए सेल में राउंड ऑफ एंड फॉर्म ए थिक वॉल्ड स्पोर विच आर नॉन सिलिएटेड आर कॉल्ड एप्लैनोस्पोर। क्योंकि ये बनता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। जाइगोस्पोर, जाइगोस्पोर क्या होता है? ये फेवरेबल कंडीशन में बनता है, लेकिन एप्लैनोस्पोर और ये बनता है अनफेवरेबल कंडीशन में। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।